They are saying final goodbye to me, goodbye कैसे बोलूँ, goodbye to me because वे लोग स्कूल चले जाएंगे। आइए गाइस, रिया अपना दुखड़ा रो रही है मेरे सामने क्योंकि मैं जा रही हूँ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog hope you all are doing absolutely well. It's 17th of April, it's Monday morning. आज मैं जा रही हूँ मार्केट अपने ब्लाउजेस उठाने के लिए। मेरे को सिर्फ इतना ही सा काम था, मुझे अपने ब्लाउजेस लेके आना था जो मैं स्टिचेस पे डाल के आई थी, बट मम्मी और दीदी ने मुझे दोनों ने बहुत ही लंबी सी लिस्ट दे दी है, तो अब मुझे अपना काम एक्सटेंड करना पड़ेगा और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और बहुत छोटी छोटी चीजें लेके आनी है लेकिन बहुत सारा सामान लेके आना है। रिया बाहर खड़ी है बॉटल भर के मेरी, और बस मैं फुल रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकलने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस, मुझे वापस आए हुए एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, डेढ़ भी नहीं ज्यादा हो गया है, दो ढाई घंटे हो गए आए हुए मुझे। आते ही मैंने ट्यूशन ली, मैं 15 मिनट लेट थी ट्यूशन में और ये बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि मैं लेट थी, और इन लोगों ने इतने देर में जंगल में आग लगी, भागो भागो बच्चे खेल लिया। मेरा सारा सामान जो भी मैं लेके आई हूँ सब यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं अभी कुछ भी ऊपर भी लेके नहीं गई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मोस्ट ऑफ द सामान मम्मी का ही है, और लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हम जो DIY में चिकनकारी कुर्ता को कर रहे थे जो कि आधा छूट गया था, आज वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका शॉर्ट्स भी मैं डालूंगी, वो भी आप चेक कर लेना। उसके लिए जो कांच बचे हुए थे वो भी मैं लेके आ गई हूँ, और जो भी मम्मी ने मंगाया था ऑलमोस्ट सारा सामान लेके आई हूँ, और आज हम लोग सब मिलके चिकनकारी कुर्ता जो है वो कम्प्लीट कर लेंगे। यस। तो मैं आती ही नीचे, मैंने चेंज भी नहीं किया, जीन्स भी डाली हुई है क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़े से मुझे मैचिंग्स करने हैं अपने ब्लाउज से, तो मैं अपनी शॉप में देखूंगी मुझे क्या मैच हो सकता है उससे, अगर कुछ होगा तो मैं वो लेके जाऊंगी, और नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं अब आपको जाके मिलूंगी सीधे ऊपर। गाइज, आज हमारी टीम में रिया रघुवंशी ने नया रोल लिया है, तो वो भी इस काम में जुड़ चुकी है, और मैंने इन तीनों को लगा दिया है मेरे कुर्ते को कम्प्लीट करने के काम में। और रिया ने बहुत बड़ा काम लिया है सिर्फ ग्लू लगाने का, बाकी वो दोनों कारीगर मेरे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अभी सब कुछ ट्राई किया तो ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, मुझे समझ नहीं आता ये ब्लर क्यों होता है। ओके, सब कुछ ट्राई किया तो ऐसे फैला हुआ है, जो भी सामान मैं लेके आई थी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो मेरी शॉप का सामान है, मैं ज्वेलरी ट्राई कर रही थी, और मैं सारा ये कुंदन की नमकीन्स लेके आई थी, पीनट्स लेके आई थी, मम्मी ने ये सारा सामान मंगाया था मुझसे, ये लेके आई थी मम्मी के लिए, ये बकल लेके आई थी। तो इसको सिर्फ पानी में डाल के निकालना होगा ना, ऐसे थोड़ी धुल सकती हो, नॉर्मली निकालेंगे ऐसे घिस के थोड़ी धुल सकते हो, वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो कबाड़ी हो जाएगा। मम्मी ने ये दो चूड़ी रखने वाले मंगाए थे तो मैं ये लेके आई हूँ गाइस, इसमें आप चूड़ी रख के ट्रेवल कर सकते हो इजिली, ऐसे कंपार्टमेंट आते हैं और ये रिमूवेबल होते हैं, आप रिमूव कर सकते हो ऐसे करके। तो ये दो सेट लेके आई हूँ मैं, और ये है जस्ट रुक, ये ब्लर क्यों हो रहा है गाइस, ये दोनों अलग अलग प्रिंट में हैं बट सेम ही चीजें हैं। इसके अलावा मम्मी ने लेगिंग मंगवाई थी मुझसे तो मैं लायरा की लेगिंग लेके आई हूँ रेड कलर में, एंड इसमें लेसेस हैं जो दीदी ने मंगाई हैं, और कुछ मेरे लिए भी हैं इसमें से लेसेस। सो या अभी ये सब मैं पैक कर देती हूँ और मेरा जैसी कुर्ता कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ओके द नेक्स्ट डे गाइस, वी शॉट अ थ्री रील्स, थ्री ओनली थ्री, ओनली थ्री, लुक एट मी, लुक एट रिया, इतू सा पसीना नहीं आया इसको, इतू सा, और मेरे को देख लो मैं भीग चुकी हूँ बिल्कुल, बिकॉज़ आई एम कूल, आई एम हॉट देन, बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है, मेरे बाल पूरे भीगे हुए हैं। इट्स थ्री इन द आफ्टरनून, टुमारो आई एम लीविंग, सो दैट्स वाई इसने कहा कि आज ही बना लेते हैं सारा सिस्टम, मैं आपको बाद में इत्मीनान से रात को बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तीन बज चुके हैं, 4:30 की ट्यूशंस हैं, और दिस इज द सिचुएशन ऑफ माय, सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टाटा टू ईट फूड, और फिर हम आराम से इत्मीनान से मिलते हैं शाम को। हाँ शाम को, अभी इनको क्या बता रही हो, ये लोग तो जब तक तो ये व्लॉग आएगा तब तक तो रील वायरल हो चुकी होगी। ओमी हमें हेल्प कर रही है, वो अभी ठंडा ठंडा पानी भरने गई है मटके से हमारे लिए, शिला क्यूची, और आज वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था, सुबह से 10 बार नीचे से ऊपर चक्कर मार चुकी है ये,
ऑप्स गाइस मैंने इनसे ऑप्स बैट्स बैठ के बहुत गलती कर दी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह खुशी देखो खुशी देखो बाय गाइस आधे दिन काम करूंगी आधे दिन नजारे देखूंगी आधे दिन एक ट्रेन चक्कर बट मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है जैसे अपन ऐसे ऊपर करके चलते हैं मेरे दिमाग में भी कहता है ऊपर वाला ऊपर से ऊपर उठा लिया तो मैं इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ा दूंगी ठीक है जब कोई बोले तो पन्नी हटा के उसको दे दूंगी लीजिए क्रंची लीजिए पहली बार वो देखे रेलवे रेलवे की ट्रेन में वो भी एक दीदी बेच गई थी दीदी फिर उनको पता चलेगा मैं तो एसी में बैठी हूँ मेरी तो ट्रेन है बट ये है पैसा कमाने का तरीका। गाइस रिया अपना दुखड़ा रो रही है मेरे सामने क्योंकि मैं जा रही हूँ तो हम लास्ट टाइम तो नहीं गाऊंगी लेकिन हम फुल्के खाने गए थे मस्त फुल्की बनी थी और अब हम वॉक पे आए हैं हम हमेशा फुल्की खा के वॉक पे आते पचाने फिर हम रिटर्न घर जाएंगे। बीच रोड पे रो रही है गाइस ये मैं इसको बोल रही हूँ यहीं से वापस चल ले और ये मुझे आज का दिलासा दे रही है अब नहीं देखो फिल्टर का वो लग रहा है कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। दे आर सेइंग फाइनल गुड बाय टू मी गुड बॉय कैसे बोल रही हूँ गुड बाय टू मी बिकॉज सुबह ये लोग स्कूल चले जाएंगे आइए सुबह ये लोग स्कूल चले जाएंगे और मुझे मिलेंगे नहीं मुझे जाते टाइम मैंने अभी इन लोगों को बताया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगी बैठ के बच्चिया अभी तुम धीरे से बोलती ना इसमें मारती मैं धमाधम इसने बैट्स नहीं बोला था बैठने के बाद गाइज अब ये आपको कुछ दिनों तक मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखने वाला है ये क्यों हो रहा है सो बाय कर दो गाइज को बाय तू करना वो अच्छा गाइज मिलते हैं बाय बाय गाइज मिलते हैं बाय बाय गाइज कैसे करते हैं बाय गाइज मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय सब्सक्राइब करिए बाय गाइज बाय सब्सक्राइब गाइज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब सरप्राइज सरप्राइज कीजिए सरप्राइज कीजिए सब्सक्राइब चाहिए सब्सक्राइब आपने सब्सक्राइब मत करना सब्सक्राइब मत करना एक सरप्राइज करना और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब बाय इधर करते कैमरे पे ऐसे करते हैं हाँ चलो इधर स्क्रीन पे क्या करने जाती है एक दो ये ओके यू गाइस रात के 11:15 बजे मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ बहुत ज्यादा पचड़ हो गई थी एक्चुअली पचड़ इन द सेंस मेरे कुछ प्रिय कस्टमर्स हैं तो उन्हें पता चला कि मैं कल जा रही हूँ तो इसलिए वो आ गया क्योंकि उनको कुछ लेना था ओके फाइनली द मेन काम इज हियर सो बेसिकली मैंने आपको आई थिंक अभी तक पूरे ब्लॉग में बताया नहीं है कि ये ट्रिप कैसी होने वाली है इट्स अ लॉन्ग वेकेशन वेकेशन भी बोल सकते हो काम भी बोल सकते हो और इस वेकेशन के एंड में हमको एक वेडिंग भी अटेंड करनी है सो हम जाने वाले हैं दीदी के पास और दीदी ने गुजरात से अपना प्लेस चेंज कर दिया है सो हम दीदी के पास जाने वाले हैं तो नेक्स्ट व्लॉग फुल ऑन ट्रैवल व्लॉग होने वाला है तो आप वो देख लेना मैं आपको कहाँ लेके चलने वाली हूँ इस पूरे 15 डेज का हमारा ये वैकेशन होने वाला है 15 डेज की इस ट्रिप में मैं आपको दो जगह लेके जाऊंगी और हो सकता है एक आध जगह बीच में और लेके जाऊं तो मेक श्योर आप मेरे सारे व्लॉग्स फॉलो करना बट फिलहाल कल हमारी ट्रेन है मैं और मम्मी सिर्फ ट्रैवल करने वाले हैं सो क्योंकि वेडिंग भी अटेंड करनी है तो वेडिंग का भी पैक करना है और नॉर्मल आउटफिट्स भी पैक करने हैं सो ये पूरी एक पचड़ हुई हुई है दीदी का भी काफ़ी सामान यहाँ से लेके जाना है जो उनको चाहिए था मेरा है मम्मी का है सारी पैक करना है क्योंकि कल मुझे सुबह कुछ भी भसड़ चाहिए नहीं है मतलब कोई भी ऐसे मतलब जल्दबाजी चाहिए नहीं है इसलिए ना हमको ना पैक देखते हैं कितना समय लगता है और कैसे क्या मैं एडजस्ट कर दूँ क्योंकि वेडिंग का जो है ना उसमें लहंगे हैं और उसे फिट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सो लेट्स पैक
इट्स टुगेदर, आई थिंक इस ब्लॉग का ही नाम था होगा पैक विथ मी, और ये पैकिंग सबसे लास्ट में हो रही है ब्लॉग के, बट बेयर विथ मी यू गाइस, दिन भर काफ़ी सारे वर्क किए हैं, सो नाउ फाइनली लेट्स पैक इट टुगेदर। तीन लहंगे लेके जाने हैं, उसके बाद मम्मी की साड़ी वगैरह है, ज्वेलरी, मेरा मेकअप पाउच ही ऐसा बना है, ये है ज्वेलरी बॉक्स। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इसमें डालूं और उसके बाद मेरा रेगुलर स्टफ तो अभी सब कुछ बचा ही हुआ है, ये मम्मी ने अपने दो चूड़ी के बॉक्सेस बना लिए हैं, आई डोंट नो ये कैसे मैं फिट करने वाली हूँ, मुझे दीदी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट्स 1:30 इन द नाइट, आई एम डन विथ ऑल द थिंग्स, अभी जस्ट फेस वॉश करके अपना नाइट टाइम स्किन केयर किया है, इट्स अ टायरिंग डे, और कल के लिए भी बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, कल का डे इज अ ट्रेवल डे, बहुत मच होने वाली है, तो जस्ट आफ्टरनून की ट्रेन है और हमें मतलब हबीबगंज से मतलब रानी कमलापति से ट्रेन पकड़नी है, जो कि हमारे घर से अप्रॉक्स 13-15 किलोमीटर्स है, सो काफी क्योज होने वाला है सवेरे, जल्दी भी उठना है, लेट भी होगी सोने में, बट या इट्स अ लॉन्ग ट्रेवल, सो ट्रेन में टाइम मिल जाएगा। ओके, सो पैकिंग अपडेट, हमने अपना पैकिंग थोड़ा सॉर्ट कर लिया है, काफी चीजें कट डाउन कर दी है, बिकॉज ऑफ द लहंगा हमारा एक और प्रॉपर ट्रॉली बढ़ रहा था, और क्योंकि हमें दीदी से ट्रॉली एक्सचेंज करना है, उनको मिनी वाला देना है और हमको वहां से बड़ा वाला वापस लेके आना है, तो वी जस्ट डोंट वॉन्ट कि हमारे पास दो बड़ी ट्रॉलीज हो जाए, क्योंकि सिर्फ मैं और मम्मी ट्रेवल करने वाले हैं, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मम्मी मोस्ट मतलब चीजें नहीं कैरी कर पाती है, मुझे ही उठाना है जो भी उठाना है, सो हमने फाइनल किए हैं ये तीन चीजें, ये जो आप बैग देख रहे हो नीचे जो रखा हुआ है, इसमें हमने अपने लहंगे फिट कर दिए हैं और हो गए हैं, आप सोच नहीं पा रहे होगे, बट इसमें दो बड़े लहंगे और एक राजस्थानी वाला जो कि बहुत पतला लहंगा होता है वो है, उसमें सारा सामान आ गया है, छोटी वाली मिनी वाली कहाँ दिखा रही हूँ मैं, वेट सॉरी गाइस मिरर टाइप हो रहा है, ओके यहाँ पे, और ऊपर वाले में हमारा खाना पीना और जो भी हम लेके जा रहे हैं, लाइक मेरा मेकअप पाउच, मेरा स्किन केयर पाउच, सारा कुछ मैंने उसमें फिट कर लिया है, तो जैसे तैसे हमने कर लिया है, कुछ चीजें बाकी है जो सुबह ही एड ऑन हो सकती है, जैसे कि हमारे ब्रशेस, हमारे अंडरगार्मेंट्स, हमारा टिफिन वगैरह जो भी है वो सारा कल सुबेरे फिट हो जाएगा इसमें, सो आई एम डन विद दिस, एंड या आई एम सुपर 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 टायर्ड, कल बहुत सारे एडिट्स भी करने हैं निकलने से पहले, तो मैं सुबह कितनी जल्दी उठ के क्या क्या कर पाती हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, मैं आपको इस बार कौन सी नई सिटी लेके जाने वाली हूँ वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में हम साथ में ट्रैवल करेंगे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड खूब सारा प्यार दो, ताकि मैं ऐसे आपके साथ आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स बनाते रहूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखो, अपने खुश हो, मैं डिस्क्रिप्शन टू गाइस यू मैथ रखो कैरेट।